Namaste माने नमस्ते हम करते हैं राइट हाउ डू वी डू नमस्ते राइट सो दैट वे सो नमस्ते इज द फास्टेस्ट काइंड ऑफ अ योगा योगा मीन्स व्हाट यहाँ पे कोई शेयर कर सकता हैव यू एवर गॉन अक्रॉस द नेम ऑफ द और इवन द मीनिंग ऑफ योगा और व्हाट डू यू थिंक योगा योगा इज अ फिजिकल आसन ओनली इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी देन व्हाट इज इट Then what is it? It's a mind relaxation. It's a pranayama. What else have you heard about yoga? Mind, soul. What else? ये soul शब्द है ना इतना खराब हो चुका है आज के डेट में. Means the moment someone utters even that word, everyone अरे ये क्या? ये तो क्या? कौन से age की बात कर रहे हो आप? ये ऐसा कुछ नहीं होता. And God is a thing. God ऐसा कुछ नहीं होता. We have come to this point now. But there is a specific way to realize. Yoga means union. Union of what? There are many analogies. Union of the self, union with the lower self and the higher self, union of you with the universe, union of the five elements. Have you heard of five elements? Pancha Mahadhatus. So union of your five elements with the higher elements. Aise bahut sare iske analogies hain. बहुत सारे इसके पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं कैन यू गेट अ डिफरेंस इट्स अ पोएटिक एक्सप्रेशन बट देर इज अ वे टू रियलाइज इट एंड दैट इज नॉट वी आर हियर फॉर वी आर नॉट हियर फॉर लर्निंग समथिंग वी आर नॉट हियर फॉर व्हाट यू कैन से गेटिंग बेनिफिटेड यू माइट हैव रिसीव्ड अ मैसेज वेयर यू मस्ट हैव सीन कि इतने इतने बेनिफिट्स हैं इवन टीचर शेयर कि साउंड हीलिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं मगर वी आर आई थिंक इफ यू आर फॉर द बेनिफिट्स देन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू बिकॉज हम बेनिफिट्स के परे जाने वाले हैं बेनिफिट्स इज विल बी अ आउटकम अ सिंपल आउटकम ऑफ इट मल्टीफोल्ड आउटकम बेनिफिट्स फॉर फिजिकल बेनिफिट्स फॉर इमोशनल हेल्थ बेनिफिट्स फॉर मेंटल हेल्थ इट्स अ बाय प्रोडक्ट But we are here for first what? To get connected with the self. Will that be okay? Hona hai interested, interesting lag raha hai ya phir kya karna hai? Do you think it might help? It might help in your career? It might help in your relationships? Will it? Relationship matlab se abhi log has rahe. Relationship is not of girlfriend, boyfriend, okay? First of all. That's a very... very personal part but relationship of any kind relationship with the self relationship with the parents relationship with the teachers relationship with the society relationship of course with your boyfriend girlfriend relationship with your partners relationship with even the money correct it's all a relationship agar aapko hi khud ke sath relationship establish na ho so do you think you will have a good relationship with the money what do you think yes so we might share something सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देन आई माइट शेयर बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुजगोष्ठी गुजगोष्ठी मीन्स अ सीक्रेट दिस इज अ सीक्रेट इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरी वन एंड यू हैव कम हियर इट्स काइंड ऑफ अ सिग्नल दैट योर लाइफ कैन गेट समथिंग एल्स योर लाइफ कैन गेट समथिंग एल्स इट्स अ सिग्नल ओके इट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक गुरु शिष्य परंपरा It's not available in the market. Yes, you might see this kind of a bowls in the market. In some Tibetan monasteries if you might have visited, you might have seen, but that is different. You might have seen many pics of Buddha who has holding a bowl. Have you ever seen? Have you come across? So this is the same bowl that the Buddha was using. The Buddha, have you heard of Buddha? अच्छा सो दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर वी आर हेल्पिंग वन सेल्फ टू कनेक्ट सो दैट आर रिलेशनशिप्स आर हेल्थ आर वेल्थ इसके जो पैटर्न्स है उसको कुछ हम बदलाव ला सकें इंटरेस्टेड एंड दिस सेशन इज नॉट अबाउट यू लर्निंग अगेन आई एम रिपीटिंग इट एंड व्हाई आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज मेनी पीपल डोंट गेट इट बिकॉज ये हो चुका है पैटर्न ही हो चुका है स्टूडेंट से कॉलेज में आप आए हैं तो कुछ तो सीखते हैं इवन इफ इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी इवन इट्स यूजलेस आई विल जस्ट कम एंड सी व्हाट आई कैन लर्न सो व्हाट आई कैन माय सेल्फ गेट बेनिफिटेड
मुझे क्या यहाँ से मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। सो ये मुझे क्या मिलेगा के बार्गेन में बहुत सारे हम चीज़ें हैं वो उसका एसेंस हम छोड़ देते हैं, मुझे क्या मिलेगा। करेक्ट, यू आर इन द फर्स्ट ईयर और इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर करंट स्ट्रीम, सेकेंड ईयर राइट, योर प्लेसमेंट्स माइट बी देयर और यू गाइज माइट बी इंटरेस्टेड इन फ्यूचर स्टडीज, यस और नो। बट ये डिसाइड ही कौन कर रहा है? If you think that I'm deciding, then it's a challenge. Because जो I जो है वो आपका नहीं है, you haven't explored it right now. This I is coming from the society, it's coming from the internet, it's coming from the environment. So in that bargain, what happens is, अभी तो flow में है हम, अभी तो pressure आ चुका है हम पे, yes or no? Some pressure from the family, some of the society, और खुद का भी एक होता है सेल्फ वर्थ, यस और नो? शायद से ये कुछ एजेस में हमने कुछ जॉब नहीं लिया या फिर मास्टर्स नहीं किए या फिर कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं किया, तो कुछ तो मेरे में कमी है, यस और नो? कैन यू रिलेट इट? मुझ में शायद से वो कैपेबिलिटीज नहीं है, और ये जो ट्रेड ऑफ बोल सकते हैं या फिर ये जो माइंडसेट आज के डेट में बन चुका है, इट्स वेरी डैमेजिंग। आई एम सीइंग स्टूडेंट्स, ओके, सो आई एम इवन सीइंग टीचर्स, आई एम इवन सीइंग बिजनेसमैन, आई एम इवन सीइंग सीईओस, मतलब वो सीईओ बन चुके हैं मगर उनको कंपनी ही नहीं रन करनी थी, उनको कुछ तो अलग ही करना था लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट यू फॉलोइंग योर हॉबी, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। अगर मैं इधर आके बोलता आपको हॉबी को फॉलो करो, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, बिकॉज आपकी हॉबी भी आपकी नहीं रहती, इट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो वी नेवर अलाउ आवर सेल्फ टू टच द वेरी कोर ऑफ वन सेल्फ, बिकॉज द वे द यूनिवर्स हैज बीन डिजाइंड, नो रिपीटेशन हैज बीन टेकन, नो रिपीटेशन इज देयर। सो हम क्यों फिर रिपीटेशन के पीछे पड़े हैं? आई एम नॉट गोइंग टू से कि रैट रेस में पड़ो, रैट रेस के बाहर आओ, इट्स नॉट दैट, इट्स गोइंग, यू गाइज कैन गो बियॉन्ड दैट वंस यू गेट अवेयर ऑफ द ओन सेल्फ। Is it interesting that? So will that help? Because the moment you get aware of your own self, aware of the sensations, right now हमारे में sensations ही नहीं है. So at the moment I started practicing the yoga, you can say, or the meditation, मेरे sensation इतने sensitive हो चुके हैं, I cannot even travel the way I came from right now Vile Parle, our office is in Borivali. So Rakesh, he is one of our team members. So he was coming from Borivali and I'm coming from, and he picked me from Vile Parle. So itna meri peeth dard ho rahi hai, itna I can see the sensations in my spine, and then I'm seeing people, they are traveling so much, they are traveling 3 hours every day, and how are they doing that? Aur unko feel bhi nahi ho raha unki peeth dard ho rahi hai, unko feel bhi nahi ho raha unme kuch aise sare diseases hai wo ऐसे क्या बोल सकते हैं, डॉर्मेंट है, दे आर इन द डॉर्मेंट स्टेट एंड दे आर गोइंग टू कम अप, इवन दैट वी आर लॉस्ट द सेंसेशंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज आना है तो डायबिटीज के जो सेंसेशंस है, डायबिटीज के जो सिम्टम्स है, वो 20 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं। द बॉडी इज वेरी मच कैपेबल, द बॉडी इज वेरी मच डिवाइन कि वो 20 साल तक रोकते हैं डिसीजेस को। डू यू नो दिस फैक्ट? Do you know? Because I have been studying Ayurveda since last 2 years. So I even had the opportunity to go in Europe and to teach the doctors there, to teach the Nadi Yoga, to teach the sound therapy there, to teach the Ayurveda, and to share this kind of a sessions, this kind of a meditation in their cultural festivals, in their hospitals, in their retirement homes, in their autism centers. And those people, many few people were getting aware of what this is or what Ayurveda is. So it takes more than 15 to 20 years to actually manifest a disease. But we think it's all of a sudden. Yes or no? किसी को हमारे society में brain stroke आ गया या heart attack आ गया, we think अरे ये तो बात चल रहा है, 2 साल से ऐसे ही, इसलिए शायद सही है। ऐसा नहीं है, last 30 साल से, last 40 साल से वो patterns, that's why we are working on the patterns. और ये patterns सिर्फ आपके body के नहीं हैं, आपके mind के भी हैं,